हेलो एंड गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही स्पेशल बहुत ही खास व्लॉग है, बिकॉज आज है माता की चौकी जिसके लिए हम लोग यहां पे आए हैं और बहुत सारी तैयारियाँ हो रही हैं, चल रही हैं, ऊपर लोग रेडी हो रहे हैं। अभी क्लब हाउस पर जो है वहाँ पर कुछ तैयारियाँ और हो रही है तो हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको सारी तैयारियां दिखाऊं उसके पहले आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा बिकॉज भाई मैं कमाल की स्टोरीज डालते रहता हूँ। फिलहाल मैं और आदि अभी नीचे आ चुके हैं, सामने जा रहे हैं क्लब हाउस की तरफ। वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं वो देखने जा रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं वहाँ पर जो गद्दे लगाएंगे, माता की चौकी है तो वो लोग नीचे बैठ के देखते हैं। हालांकि बुज़ुर्गों के लिए कुछ चेयर्स वही साइड में लगे हुए हैं, तो चलते हैं और वहाँ की सारी तैयारियाँ आपको दिखलाते हैं। तो चलिए, जय माता दी, जय माता दी। क्लब हाउस का एक पार्टी एरिया ही है और पीछे स्टेज लग चुके हैं बट अभी बस तैयारी शुरू हुई है। ये गद्दे वद्दे आ चुके हैं यहाँ पे और बस लोग आ रहे हैं तैयारी करने के लिए। मेहमान जो है शाम से आना शुरू हो जाएंगे और बस यही सब तैयारी हमें देखना है, क्या क्या तैयारी हो रहा है, चल रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज करना है। तो जो भी चीज़ जैसे जैसे होते रहेगा हम दिखलाते रहेंगे आपको, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। और बाहर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ प्री फंक्शन एरिया जो है वहाँ पे, यहाँ तो जग रहा था चलेगा रात भर का है। और ये जो आपका एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्री फंक्शन एरिया है। ये प्री फंक्शन एरिया में यहाँ पे जो है आपका जो खाने का जो प्रसाद है तो प्रसाद का सेटअप लगेगा यहाँ पे, इस जगह पर एल शेप यहाँ पे है। और लोग को अगर खाना है तो बाहर भी यहाँ पे आके खा सकते हैं। गार्डन एरिया में बहुत अच्छा पूरा यहाँ का जो भी है माहौल है, एम्बियंस है, मौसम है, बस ऐसे ही मौसम बना रहे, बारिश ना हो, बट उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट भी खाने का है, तो चलता है आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं रेस्टोरेंट में कैसा है। मतलब यहाँ का सोसाइटी का ही रेस्टोरेंट है वो, मतलब कुछ फंक्शन होता है तो ही ऑपरेशनल होता है, तो वो रेस्टोरेंट दिखाते हैं, वहाँ भी खाने का है। चलिए उस रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। रेस्टोरेंट और अभी हम जहाँ से होते हुए आए हैं यहाँ पर आपने पूरा किचन का पूरा सेटअप बर्तन देखा होगा और गैस सिलेंडर देखा होगा ना, वो वहाँ का किचन एरिया है। तो अगर आपके यहाँ कोई भी पार्टी वार्टी होती है और मतलब इस सोसाइटी के लोगों के लिए, बेसिकली वो बाहर के लोगों के लिए, सोसाइटी के लोग जो भी पार्टी होती है ना, तो खाना ना बनाने के लिए केटरर्स के लिए वो प्रॉपर वो स्पेस दिया हुआ है, एलोकेट किया गया है कि वहाँ पर सारा जो भी केटरर का सामान आता है, गैस सिलेंडर, काटा पाटा जो भी वो एरिया है वहाँ पर सारा वो बनाता है। और उसके लगे में रेस्टोरेंट है, अगर यहाँ पर आप खाना चाहिए यहाँ खाइए, हॉल में खाना खाइए, बट जगराता है तो पार्टी वो खाना बाहर प्री फंक्शन एरिया में जो मैंने दिखाया वहाँ होगा। और यही सब तैयारियाँ चल रही है। तो ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, ये गुड़गांव में है, सोसाइटी स्पेस प्रीवी सेक्टर 93 में, तो हम लोग वहाँ पर हैं अभी। तो बहुत ही शानदार और कमाल का सोसाइटी है और बस यही इन्जॉयमेंट चल रही है हमारी यहाँ पर। जो आप वीडियोज़ देखते रहते हैं मेरा न्यू ईयर के टाइम पर, सारा यहीं का रहता है। और अभी अचानक से फिर जो सरप्राइज है, फिर मैं यहाँ पर आया बस माता की चौकी के लिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और जो जो तैयारी होती रहेंगी देखते रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए जय माता दी। तो सारा सामान आ चुका है और कुछ सामान धीरे धीरे आ रहा है। तो
पीछे जो आप देख रहे हैं सारा, इस पर दरबार है माता रानी का, तो दरबार उतर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं दरबार उतर के कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखा रहे हैं। आइए, जय माता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तैयारी चल रही है, और उसमें केटर भी आ गया, खाने पीने का भी सारा सामान आ चुका है, काम चल रहा है, और बच्चे लोगों की मस्ती चल रही है। हेलो हेलो, तो सबकी मस्ती हो रही है यहाँ पे, और यहाँ मस्त सो रहे हैं। हालांकि मैं भी सोया हूँ यहाँ पे, एक नींद ले लिया है मैंने, नींद लेने के बाद फिर ये शूट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस एक मस्त नींद लिया यहाँ पे आराम से, और नींद लेने के बाद बस तैयारी चालू हो चुकी है। लंच नहीं किया मैंने, मैं बस जा रहा हूँ लंच करने के लिए, लंच करके आता हूँ फिर आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली लंच करके हो गया मेरा, और शेव भी कर लिया है, अब चलते देखते हैं नीचे हॉल में क्या तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत धूप तेज़ है अभी फिलहाल के, तो चलते हैं हॉल में देखते क्या तैयारी है। बस मुझे बस नहाना है, चेंज कर करना है, तो सोचा बस अभी देखने आ जाओ क्या तैयारियाँ हो चुकी है, कहाँ तक तैयारी पहुँची है वो आपको दिखलाता हूँ, फिर उसको दिखला के फिर हम चलेंगे चेंज करने के लिए, फिर रेडी होके ही आएंगे। तो चलिए चलते देखते हैं क्या तैयारी हुई है। पीछे देख रहे हैं भवन ऑलमोस्ट तैयार है, बस लाइटिंग हो रही है, और बहुत ही भव्य लग रहा है माता का जो दरबार है, और इसको रेडी होने देते हैं और चलते हैं खाने की क्या तैयारी है वो देखते हैं, क्या स्टेटस है खाने का, प्रसाद का बेसिकली। प्रसाद भी जो है वो बनना शुरू हो चुका है, काम चल रहा है वहाँ पे, और यहाँ भी काम चल ही रहा है, और हम अब चलते हैं यहाँ से ऊपर रेडी होने के लिए, फिर रेडी वेडी होकर थोड़ा रेस्ट करके फिर आते हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी फ्रेश और तैयार, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा क्लब हाउस, जहाँ पे माता की चौकी नहीं माता का जगराता होने वाला, ये रात भर चलेगा, सुबह 3-4 बजे चले, बिकॉज चौकी जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम बस ख़त्म हो जाता है, बट जगराता जो है ये थोड़ा लेट तक चलता है, बिकॉज मैं बहुत समय से माता ही चौकी कर रहा हूँ, बट ये माता ही चौकी नहीं, माता का जगराता है, तो थोड़ा लंबा चलेगा ये, तो इसलिए माता का जगराता है। तो चलते हैं क्लब हाउस जहाँ पर माता का जगराता है, और देखते हैं इस बीच क्या क्या वहाँ पर और प्रोग्रेस हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्लब हाउस पर, आइए जय माता दी।
लगभग पूरी हो चुकी है। खाने का भी बहुत प्रसाद का भी बहुत जोर शोर से चल रहा है, 12 बजे तक खाना निकल रहा है, तो प्रसाद है, खाना ही है, बस उसको प्रसाद बोलते हैं, तो प्रसाद का काम भी तरह से चल ही रहा है और बस अब लोग के आने का इंतजार है। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ब्लॉग बनता जाएगा, आप भी जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग को और बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और चलिए बने रहिए और जैसे जैसे जो जुड़ते जाएंगे आप, मैं दिखाते जाऊँगा और आप इस वीडियो का, इस माता का जगराता का भी अपने घर से बैठ के आनंद लेते रहिए। जय माता दी। नमस्कार करो, अपने दोनों हाथ ऐसे करो, बोले या गच या गच या गच या तीष्ट या गच या तीष्ट या गच या तीष्ट। ऐसे करने का मतलब जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं सबसे पहले हम उन्हें आसन देते हैं। आरती बनावा सर्व सोने दे तेरी।
जुग जुग जीवे तेरा जम्मू ए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मू ए दराजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदर बिच Thank you.
जगराता जो होता है वो रात भर चलता है, और अभी ब्रेक हुआ है, चाय और मट्टी लोग खा पी रहे हैं, और पीछे माता रानी पे कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है, और इसके बाद होगा तारा रानी की कथा भी कही जाएगी। जैसे जब वैष्णो भी जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि यात्रा भैरव नाथ नहीं जाते, यात्रा पूरी नहीं होती है। उसी तरह से तारा रानी की कथा के बिना ये जगराता अधूरा है। तो एक जो सेक्शन था वो हो चुका है, गाना बजाना जो था, और अब है तारा रानी की कथा की बारिश के बाद। तो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट क्या करें, जगराता ऐसे ही होता ही है, यही जगराता है। इससे मैं सोचा आपको दिखलाऊं कि जगराता क्या होता है। तो चलिए पंडित जी अनाउंसमेंट कर दिया कि तारा रानी की कथा होने वाली है, आइए देखते हैं और सुनते हैं तारा रानी की कथा। जय माता दी। सब तो पहले मां जगदम्बे आगे शीश झुकाने लगा, बोल सांचे भारती जय, नारा शेरावाली दा एक थी तारा एक थी रूपण, नाम मैया का लेती थी। अब किस प्रकार ये दोनों बहने, काय का जन्म होता है, काय का पालन पोषण होता है, किस प्रकार एक बहन दूसरी बहन को शराब देगी, किस प्रकार बहन बिछड़ती है, फिर कब उनका मिलाप होता है, आइए ये कथा प्रारंभ करते हैं। जय नारायण शेरा वाली दा। और इसी के साथ कथा समाप्त, और अब है आरती के बाद। आरती के बाद जो जगाता है वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आरती देखते हैं। अपने मैया नो स्नान करावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, जोता वाली माँ तेरी आरती गावे, खजा नारियल पान सुपारी ध्वजा नारियल, अपनी मैया जी खेत जड़ावा, शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा, सिमर चरण तेरा धनु यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा भोला यश गावे, सिमर चरण तेरा भोला यश गावे, माता ने पूजे रिद्धि सिद्धि पावे, माता ने पूजे रिद्धि सिद्धि गावे। बस लास्ट फेज है, और लास्ट फेज में है कन्या पूजन, करने को पूजा जा रहा है अभी, जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको खिलाया जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी से दिखाते हैं कन्या पूजा क्या होता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम बच चुके हैं, और माता का जगराता ख़त्म हो चुका है, और मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो चुका है। अब इससे आगे व्लॉग खींचने की शक्ति मेरे में नहीं है, बस पूरी रात जागा हूँ, बीच में थोड़ा सा सोया भी था, वही कुर्सी पे बैठे बैठे जैसे एक पावर नैप टाइप से। और बस ये था जगराता, जो पूरे तब बहुत देर पूरी रात चला जगराता, और चौकी में जो अंतर था वो मुझे समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि चौकी और जगराता में क्या अंतर होता है। तो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को बस अब यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है ऊपर जाके मैं सोने वाला हूँ। आज 14 अगस्त है, आज एकदम मैं पूरी नींद लूँगा अच्छे से, पता नहीं आज कुछ ब्लॉग करूँगा कि नहीं, हिम्मत नहीं है। तो मेरा 14 अगस्त की सुबह है,
और बस अब पता नहीं आज कुछ शूट करूँगा नहीं करूँगा, जब भी जो भी शूट करूँगा आप लोग अगले हफ्ते दिखा दूँगा। तो यहाँ तक देख लिया है दोस्तों, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, और यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में जो भी रहे, जब भी व्लॉग करूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, तस्दीदानी, बाय बाय, जय माता दी।